Hello everyone, I welcome to all of you to my YouTube channel JNV English Empire. And today's chapter is The Glimpses of India. And it's your second part and the name of the part is Coorg. It's Scotland of India. It's called Scotland of India. इसे इंडिया का स्कॉटलैंड कहते हैं. God made this earth and he left some pieces of heaven on this earth. गॉड ने इस दुनिया को बनाया और दुनिया पे जन्नत के कुछ टुकड़े ला करके रख दिए. कुर्ग इज वन ऑफ देम, उनमें से एक है. तो चलते हैं कुर्ग को पढ़ते हैं और इंजॉय करते हैं इस चैप्टर को. कुर्ग इज अ कॉफी कंट्री. कुर्ग एक कॉफी कंट्री है, फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस. एंड इट्स वेरी फेमस फॉर रेन फॉरेस्ट. इट इज फुल ऑफ रेन फॉरेस्ट एंड देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ स्पाइसेस. That is taste of India. That gives the taste of India. जो इंडिया का एक टेस्ट दिया करते हैं. So let's start with Coorg. Where is Coorg and how can we reach there? चलते हैं पता करते हैं. Midway between Mysore and coastal town of Mangalore. Midway बीच में मैसूर और coastal town, coast वाला area, समुद्र के किनारे वाला area, town of Mangalore. Mangalore town के coastal area और मैसूर के बीच में sits a piece of heaven, जन्नत का एक टुकड़ा बैठता है, पाया जाता है. That must have drifted from the kingdom of God, जो God के राज्य से आ गया होगा यहाँ. This land of rolling hills, इस लुढ़कती हुई पहाड़ियों की दुनिया, is inhabited by a proud race of martial men. Inhabited, यहाँ पर रहते हैं, by a proud race, एक फक्र वाली जिसपे हम गर्व कर सकते हैं, एक ऐसी प्रजाति रहा करती है यहाँ पर, मार्शियल मैन और दोस्त, who are fond of fighting, who use weapons, fight करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, इस तरीके से मार्शियल मैन हुआ करते हैं. ब्यूटीफुल वीमेन, और इनकी खूबसूरत सी औरतें हुआ करती हैं. एंड वाइल्ड क्रिएचर, और जंगली प्राणी. कुर्ग और कुदागू, कुर्ग या कुदागू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका का सबसे छोटा सा जिला है. इज अ होम ऑफ एवर ग्रीन रेन फॉरेस्ट, और यहाँ पर एवर ग्रीन, हमेशा हरे भरे रहने वाले जंगल, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन, मसाले भी मिलते हैं और कॉफी प्लांटेशन भी मिलता है. एंड इट्स ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ लैंड ऑफ कॉफी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन के नाम से भी इसे जाना जाता है. एवर ग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर्ड 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, इस डिस्ट्रिक्ट का 30% रेन फॉरेस्ट कवर करते हैं, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं. ड्यूरिंग द मानसून, जब बारिशें होती हैं, इट पोर्स अनफ टू कीप मेनी विस्टर्स अवे, और इतनी बारिश होती है कि विस्टर यहां से दूर रहना पसंद करते हैं. दे डोंट लाइक टू कम ड्यूरिंग मानसून सीजन, मानसून सीजन में वो आना पसंद नहीं करते. द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, और जो जॉय का सीजन होता है वो शुरू होता है सितंबर से और मार्च तक चलता है. द वेदर इज परफेक्ट, वेदर परफेक्ट होता है, विद सम शॉवर्स थ्रोन इन अ गुड मीजर, और अच्छी मात्रा में कुछ शॉवरिंग भी होती है, बौछार भी होती है. द एयर ब्रीज, और हवा सांसें लेती है. इनवाइगोरेटिंग कॉफी, और उसमें कॉफी की खुशबू हल्की सी मिली हुई, बहुत अच्छी ब्रीज, खुशबूदार हवा वहां पर बहा करती है. कॉफी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज, कॉफी स्टेट और कॉलोनियल जो बंगलोज होते हैं, स्टक्ड टक्ड अंडर द ट्री, कॉनुपाइज इन द प्राइम कॉर्नर, मुख्य कोनों में आप देख सकते हैं कि जो कॉलोनियल बंगलोज हैं और कॉफी स्टेट, पेड़ों के नीचे दिखाई पड़ते हैं. द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग, और कुर्ग के आजादी पसंद लोग, आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, ये कहा जाता है या तो ये यूनानी प्रजाति से हैं या अरेबिक डिसेंट से हैं. तो किस तरीके से पता करते हैं, आगे चलते हैं. एंड एज वन स्टोरी गोज, एक कहानी कहती है, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव साउथ अलोंग द कोस्ट, कोस्ट के किनारे किनारे साउथ की तरफ चलते हुए अलेक्जेंडर की आर्मी का एक हिस्सा, द सेटल्ड हियर, यहां पर सेटल हो गया. व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, और जब उनका लौटना इम्प्रैक्टिकल हो गया, जो संभव नहीं था, इसलिए वो वहां पर सेटल्ड हो गए. द पीपल मैरिड अमंगेस्ट द लोकल्स, और इन लोगों ने जो अलेक्जेंडर की आर्मी से रिश्ता रखते थे, इन लोगों ने वहां लोकल्स लेडीज के साथ शादी कर ली. एंड देयर कल्चर इज अपारेंट
इन द मार्शियल ट्रेडिशंस, और जो इनकी परंपरागत परंपराएं हैं मार्शियल ट्रेडिशन, जिसमें तलवारबाजी वगैरह शामिल है, ये क्लियर स्पष्ट नजर आता है ये कल्चर। मैरिज एंड रिलीजियस राइट, इनकी शादियों में और इनके धार्मिक संस्कारों में ये दिखाई पड़ता है, विच आर डिस्टिंक्ट, जो खास पहचान है फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो हिंदू मेन स्ट्रीम से आया है वो सब यहां दिखाई पड़ता है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉस द सपोर्ट फ्रॉम अ लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, और जो अरब ओरिजिन की कहानी है वो इस बात को सपोर्ट करती है, जब ये एक लंबा सा काला सा कोट पहनते हैं जिसपे नक्काशी की जाती है वेस्ट बेल्ट, और जो इनकी कमर में बेल्ट होती है और उस पर जो नक्काशी होती है वॉन बाई कुदावस, और कुदावस लोग या कुर्गीज लोग जब इसे पहनते हैं नोन एज कुपिया, और इस यूनिफॉर्म को, इस ड्रेस को कुपिया कहते हैं, तब ये पता चलता है कि इनका ओरिजिन अरब से भी हो सकता है। इट रिसेम्बल्स, और ये लुक लाइक, रिसेम्बल्स मीन्स लुक लाइक, ये मिलती जुलती है द कुफिया बॉर्न बाय द अरब्स, जो अरब लोग कुफिया पहना करते हैं, एंड द कुर्द्स, और जो कुर्द लोग एक कुफिया ड्रेस पहनते हैं कुपिया, उनसे मिलती जुलती है, इसीलिए कहते हैं कि इनकी ओरिजिन अरब से भी हो सकती है। एंड नाउ द फेमस स्टोरी अबाउट कुर्ग, कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी, इनकी एक परंपरा होती है, कुर्गी घरों में एक परंपरा होती है आदर सत्कार की, एंड दे आर मोर देन विलिंग, और ये बहुत ज्यादा इच्छुक होते हैं टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर, और जो इनकी बहादुरी की कहानियां होती हैं उनको घिना करते हैं, रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, अपने बेटे और पिताओं से जो बहादुरों की कहानियां हैं उनको बार बार घिना करते हैं, सुनाया करते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी, कुर्ग रेजिमेंट इंडियन आर्मी में सबसे ज्यादा सजी धजी रेजिमेंट है, एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करिप्पा, जो जनरल करिप्पा फर्स्ट इंडियन आर्मी के जनरल थे, वॉज अ कुर्गी, कुर्गी थे, एंड इवन नाउ कुर्दवस आर द ओनली पीपल इन इंडिया, और कुर्दवस ही इंडिया में केवल ऐसे आर्म्स जिन्हें फायर आर्म्स ढोने की इजाजत है, इट मीन्स दे कैन हैव गन्स, गन्स रख सकते हैं विदाउट अ लाइसेंस, बिना एक लाइसेंस के। द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड द फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, यहाँ पर एक कावेरी नदी बहती है जो प्राप्त करती है अपना पानी पहाड़ियों से और जंगलों से, कुर्ग के वहां से इसे पानी मिलता है, और पानी मिलने के बाद किस तरीके से ये आगे बढ़ती है रिवर, उसे देखते हैं। एंड इट्स द सीन ऑफ रिवर महाशीर, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, महाशीर जो बड़ी सी पानी की मछली है, अबाउंड इन दीज वाटर्स, इन पानियों में बहुत पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच, और किंग फिशर जो एक बर्ड होती है वो डाइव करती है इसे कैच करने के लिए, वाइल स्क्वेरल एंड लंगूर्स, और स्क्वेरल गिलहरियां और लंगूर ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट्स फॉर द मिसचीफ ऑफ एंजॉयिंग द स्प्लैश, वो क्या करते हैं कि स्क्वेरल और लंगूर गिराया करते हैं थोड़े खाए हुए फल शरारत के लिए, मजे लेने के लिए, स्प्लैश जो स्प्लैशिंग का साउंड होता है, जो छपाके का साउंड होता है उसको एंजॉय करने के लिए फ्रूट्स को गिरा दिया करते हैं। एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर स्ट्रीम, और जो क्लियर बहती हुई धारा में जो रिपल इफेक्ट होता है, जो एक राउंड सा बन जाता है किसी फ्रूट को या डेले को डालने, मिट्टी का कोई स्टोन डालने के बाद, वो इफेक्ट का एंजॉय करते हैं। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ्ड, और एलिफेंट्स काफी एंजॉय करते हैं नहाने का, स्क्रब्ड जब रगड़ते हैं इन द रिवर बाय देयर महाउट्स, और उनके महावत उन्हें रगड़ा करते हैं नदी में लिटार करके। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर, और द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स जो अकेले लोग होते हैं यहाँ पर, वो भी बदल जाते हैं हाई एनर्जी एडवेंचर के लिए, तैयार हो जाते हैं विद रिवर राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग किया करते हैं यहाँ आकर के, कैनोइंग करते हैं, खेते हैं, रैपलिंग करते हैं, रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, माउंटेन बाइकिंग करते हैं, इट्स अ प्लेस टू एंजॉय, आइए कभी कुर्ग एंजॉय करते हैं यहां पर। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर फेवरेट विद ट्रेकर, जो ट्रैकिंग करने के लिए यहां पर लोग आते हैं, यहां बहुत से वॉकिंग ट्रेल्स हैं, रास्ते हैं इस रीजन में, बर्ड्स बीज बटरफ्लाइज
आर देयर टू गिव यू कंपनी. आपको रास्ते में चिड़िया मिल जाएंगी, बीज मिल जाएंगी, बटरफ्लाईज मिल जाएंगी, और इसके अलावा मैक्स, मालाबार स्क्वायरल, लंगूर, स्लेंडर लोरीज, कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपाई. ट्री कैनोपाई से आपके ऊपर निगाह टिकटिकी लगाए ये एनिमल्स बैठे रहेंगे. आई डू फिर भी हाउ एवर प्रीफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एनिफाइल. इन जंगली जानवरों के लिए कदम पीछे हटाना मैं पसंद करूंगा, बिकॉज दे आर वेरी डेंजरस. जो वाइल्ड एनिमल्स भी यहाँ घूमते हैं. द क्लाइंब टू द बागमरी हिल्स, बागमरी हिल्स के लिए, बागमरी पहाड़ियों के लिए चढ़ाई यू ले जाती है इनटू एन पैनोरमिक व्यू, एक परिदृश्य प्रकट करती है ऑफ द इंटायर मिस्टी, पूरी तरीके से इंटायर संपूर्ण मिस्टी मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग. कुर्ग की जो हल्की सी खुशबू आती हुई नमी वाली जमीन का एक प्रदर्श प्रकट करती है. एंड अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, और वहीं पर रस्सियों का जो पुल हुआ करता है, लीड्स फॉर 64 एकर आइलैंड ऑफ निसारगंधामा. निसारगंधामा के आइलैंड पर ले जाता है जो 64 एकड़ का आइलैंड है. वहां जाकर के लाइफ इज फुल ऑफ इंजॉय, जिंदगी इंजॉय से भर जाती है. And now the last part, running into the Buddhist monk from Indian largest Tibetan settlement. और हम दौड़ते चले जाते हैं बुद्धिस्ट मॉन्क के बीच में, भिक्षुकों के बीच में, जो इंडिया का सबसे बड़ा तिब्बत का सेटलमेंट है. एट नियर बाई बैलाकुप्पी इज अ बोनस, और वहीं पर पास में बैलाकुप्पी एक जगह मिल जाती है बोनस में देखने के लिए, उसे भी हम इंजॉय करते हैं. द मॉन्क्स इन द रेड, वहीं पर मॉन्क लाल कलर के कपड़े पहने हुए और गेरुए कलर के कपड़े पहने हुए एंड येलो रोब्स और पीले कपड़े पहने हुए आर अमंगेस्ट द मेन सरप्राइजेस, और ये मेन सरप्राइजेस के बीच में है. वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विस्टर्स, जो विस्टर का इंतजार करते हैं कि इन्हें खोज निकाला जाए. सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, और हम भारत की आत्मा और इसके दिल को तलाश करते हैं राइट हेयर इन कुर्ग. कुर्ग में आकर के वाकई इट्स अ प्लेस टू बी इंजॉयड, यू मस्ट गो देयर और यू मस्ट इंजॉय द ब्यूटी ऑफ कुर्ग. कुर्ग की ब्यूटी का एंजॉय करना चाहिए कुर्ग पहुंच कर करके.